इंद्री की नई अनाज मंडी के पास करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर अज्ञात ट्राला और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो जाने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला के शव को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भिजवा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव कलसोरा निवासी करीब 40 वर्षीय महिला रेखा बलिंदर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर करनाल से आ रही थी। जैसे ही वह इंद्री नई अनाज मंडी के पास पहुंचे तो ट्राले ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला सड़क पर गिर गई और ट्राले उसके ऊपर से गुजर गए। महिला बुरी तरह से कुचली गई। आपके नाम क्या है? बलिंदर है। कहाँ के रहने वाले हो? कलसोरे के जी। क्या मामला हुआ? इधर से आवाज़ हम कहाँ से आ रहे थे? करनाल से जी। जी हाँ। तो क्या हादसा हुआ? कैसे कैसे हुआ? बराबर मली कट रही थी, हेड लगी थी उसकी। किसकी खाट लगी है? ट्राली लड़ गई। अच्छा, पिछली साइड पे मारी थी। हम जिधर अली करते बराबर मत जाते थे। अच्छा, ट्राला था या ट्राला था? ट्राला था जी। ट्राला बड़ा, कितने ट्राला का था? बड़ा था जी। अच्छा, ये जी मोटरसाइकिल पे सवार थे और करनाल की तरफ से इंद्री की तरफ आ रहे थे और इनके पीछे से तेज रफ्तार ट्राला आ रहा था और ट्राले ने इनको साइड मारी जिससे लेडीज नीचे गिर के ट्राले के टायरों के नीचे आने से इनकी दर्दनाक मौत हो गई। रामनगर डेरे के रहने वाले बताए जा रहे। अच्छा, तो पुलिस मौके पर पहुंच गई है? हाँ, पुलिस को फोन किया, पुलिस बाद में आई जी। पुलिस अब मौके पर पहुंच गई है, तो मौत हो गई। अभी थाना इंद्री को सूचना मिली थी भी इंद्री करनाल रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, लेडीज जो मौके पे एक्सपायर हो गई है। सूचना पे यहाँ पे आए हैं तो अभी उसके वारसान की इंतजार की जा रही है जी। रेखा है वो लेडीज। उम्र कितनी है इसकी? उम्र अभी ज़्यादा तो 40 साल करीब है जी। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये? करनाल से आया जी, इतना ज़्यादा भी पता नहीं चला। किसकी? गाड़ी वाला कर गया एक्सीडेंट जी। किस चीज़ के साथ? मोटरसाइकिल पे थे ये दो लोग, थे कोई बच्चे थे इसके साथ में। अच्छा, बाकी किसी को चोट भी लगी? नहीं, बाकी नहीं लगी जी, इसी को लगी, गिर गई है, इसके सिर से ऊपर से निकल गई। मौके पे मौत हो गई। मौके पे कार्रवाई क्या कर रहे जी? मुकदमा दर्ज कर रहे जी।